भारत का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे सर्दियां करीब आने लगती है, प्रदूषण की चादर साफ नजर आने लगती है। पहले लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार मशक्कत कर रही थी और अब प्रदूषण को रोकने को लेकर सरकार नए नए सफल प्रयास कर रही है, जिसका असर राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। दिल्ली की हवा में अब सुधार हो रहा है। गुरुवार सुबह राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 दर्ज किया गया, जो बुधवार शाम को 373 था। हालांकि दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब स्थिति में है। दिल्ली में प्रदूषण संकट, एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत 16 नवंबर को 389 दर्ज किया गया, 17 नवंबर को 378 AQI दर्ज किया गया, 18 नवंबर को हवा का 362 AQI है। प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सभी कॉलेज, स्कूल, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग सेंटर को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है और साथ ही गैर जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। शैक्षणिक कोचिंग संस्थान, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग संस्थान, अन्य तरह के भी ट्रेनिंग संस्थान, लाइब्रेरी इत्यादि 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। इसके लिए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमने आज ये ऑर्डर जो है सभी विभागों के लिए जारी कर दिया है। ये जो ऑर्डर जारी हुआ है, दिल्ली के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 5 के तहत ये ऑर्डर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने जारी किया है, जिसके तहत ये स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरी 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। केवल उन जगहों पर छूट मिलेगी जहां पर पहले से परीक्षाएं आयोजित हैं। जहां पर अगर परीक्षाएं हैं वहां पर छूट मिलेगी, वहां पर वो खुले रहेंगे इंस्टीट्यूट या कॉलेज, लेकिन बाकी सभी तरह के कॉलेज, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सब 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। दूसरा निर्णय जो लिया गया कि सभी निर्माण और विध्वंस, कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन, जितने तरह की गतिविधियां हैं दिल्ली के अंदर, ये 17 तारीख तक बंद रहेंगी। चाहे वो छोटी कंस्ट्रक्शन साइट हो और चाहे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट हो, सभी जगहों पर काम जो है वो 17 तक बंद रहेगा। उसके बाद हम रिव्यू करके आगे का निर्णय सरकार लेगी। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफ, लंग्स, स्किन से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर लंग्स से लेकर दमा के मरीजों और बुजुर्गों तक को तमाम बीमारियों को लेकर चेता रहे हैं। इन सब समस्याओं से जूझ रही दिल्ली अभी कोरोना के मामले थमने के बाद खुलने ही जा रही थी कि फिर बढ़ते प्रदूषण की मार ने जनता को घर में छुपकर रहने को मजबूर कर दिया। और वहीं सरकार ने दिल्ली के बच्चों को राहत देने के लिए स्कूल बंद कर दिए। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई। कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने लगभग 1000 CNG प्राइवेट बस किराए पर लेने का फैसला किया है। दिल्ली के अंदर बढ़े हुए प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए थे, जिसके तहत 17 तारीख तक दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन एक्टिविटी को, निर्माण एवं विध्वंस कार्य जितने थे उसको बंद कर दिया गया था। आज 17 तारीख पूरी हुई है। आज अभी
सरकार के अलग अलग विभागों के साथ हमने बैठक की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने पहले लिए थे और कल जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस ने संयुक्त बैठक में डायरेक्शंस दिए उसके आधार पर लिए गए, जो निर्णय लिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन बैन 21 तारीख तक के लिए 21 नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी दिल्ली में 21 तारीख तक कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन कार्य पर बैन रहेगा। दिल्ली के अंदर 100% सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा, 21 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, ये सभी फर्दर ऑर्डर तक बंद रहेंगे। तो वहीं दिल्ली सरकार ने साफ साफ कहा है कि दिल्ली में पराली नहीं जल रही है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में पराली जल रही है और इसी से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया, उस एफिडेविट में, एक ही एफिडेविट में दो तथ्य प्रस्तुत किए गए। एक तथ्य कह रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण एनसीआर में है उसमें 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो फैक्ट उसी एफिडेविट में एक ही साथ कह रहा है कि एक दिन पहले मीटिंग हुई और इस लोगों ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें पराली का कंट्रीब्यूशन 35 से 40% है। एक ही एफिडेविट 4% भी कह रहा है और 40% भी कह रहा है, या तो 4% सही है या 40% सही है, दोनों सही नहीं हो सकता। इसलिए माननीय पर्यावरण मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक बार जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी अब तक के रिसर्च हैं, डाटा है, उसके आधार पर एक बार सार्वजनिक तौर पर इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। तो वहीं केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण की दिल्ली में बढ़ती लगाम थामने के लिए 18 अक्टूबर से एक बार फिर से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की थी। उस अभियान को सरकार ने अब आगे बढ़ा दिया है। जो स्थिति प्रदूषण की बनी हुई है उसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन का सेकेंड फेज हम 15 दिनों का और इसे आगे बढ़ाएंगे और 19 नवंबर से 30 दिसंबर 3 दिसंबर तक 15 दिनों का ये सेकेंड फेज रेड लाइट ऑन, गाड़ी आपका कैंपेन हमारा जारी रहेगा। प्रदूषण से आपको बचाने के लिए आपकी सरकार लगातार प्रयासरत है। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए वो हर संभव कदम उठा रहे हैं जिससे सांसों में कम से कम जहर घुले।